डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 5 नॉन फाइनाइट्स में स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनिटिव्स के बारे में रीड करेंगे। नंबर 1, फुल इन्फिनिटिव्स। एन इन्फिनिटिव प्रीसीडेड बाय 2 इज कॉल्ड ए फुल इन्फिनिटिव। एक इन्फिनिटिव जिसके शुरू में 2 लगता है उसे फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। सो ए फुल इन्फिनिटिव कंसिस्ट ऑफ ए 2 प्लस वर्ब। इसलिए एक फुल इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब मिलाकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ईजी पजल टू सॉल्व। यह हल करने के लिए एक आसान पहेली है। बी, द डॉक्टर हैज कम टू चेक यू अप फॉर ब्लड प्रेशर। डॉक्टर आपका रक्तचाप चेक करने के लिए आए हैं। नंबर 2, बेयर इन्फिनिटिव्स। ए बेयर इन्फिनिटिव इज नॉट यूज्ड विद 2। एक बेयर इन्फिनिटिव 2 के साथ प्रयोग नहीं होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द वर्ब। यह केवल वर्ब से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, सी सा हर ईट द फ्रूट। उसने उसे फल खाते हुए देखा। आई मस्ट गो टू द स्टोर नाउ। मुझे अब दुकान पर जाना चाहिए। नंबर 3, स्प्लिट इन्फिनिटिव। स्प्लिट इन्फिनिटिव हैपन व्हेन यू पुट एन एडवर्ब बिटवीन 2 एंड ए वर्ब। स्प्लिट इन्फिनिटिव तब बनती है जब आप 2 और वर्ब के बीच में एक एडवर्ब रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लीव मी एलोन। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। सी यूज्ड टू सीक्रेटली एडमायर हिम। वह चुपके से उसकी प्रशंसा करती है। यू हैव टू रियली वॉच हिम। तुम्हें वास्तव में उसे देखना होगा। स्पेशल नोट, इट इज़ कंसिडर्ड बैड स्टाइल ऑफ राइटिंग टू पुट एन एडवर्ब और एन एडवर्ब फ्रेश बिटवीन 2 एंड द वर्ब। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरीके से जो एडवर्ब है उसको 2 के और वर्ब के बीच में लिखने का स्टाइल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आई ordered हर टू एट वंस क्लोज द डोर। इस ये इनकोरेक्ट तरीका है। इसको लिखना चाहिए था आई ordered हर टू क्लोज द डोर एट वंस। मैंने उसे एकदम दरवाज़ा बंद करने का आदेश दिया। अब यूजेज ऑफ ए बेयर इन्फिनिटिव्स। द बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। बेयर इन्फिनिटिव को एक वर्ब के पूरक के रूप में प्रयोग करते हैं। सम वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाई द बेयर इन्फिनिटिव्स। कुछ वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनिटिव के बाद प्रयोग होती हैं। दीज वर्ब्स आर फील, ईयर, मेक, फाइंड, वॉच, सी, ऑब्जर्व, बिड, लेट, नो, नोटिस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई हियर्ड हिज प्लान। मैंने उसकी योजना सुनी। दे मेड देम अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उन्होंने उसे समस्या समझाई। आई फील हैप्पी। मुझे प्रसन्नता महसूस हुई। दे लेट अस सिट विद देम ऑन द बेंच। उन्होंने हमें उनके साथ बेंच पर बैठने दिया। स्पेशल नोट, व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन द पैसिव वॉइस दे टेक ए फुल इन्फिनिटिव। जब इन वर्ब को पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं तो
इन के साथ फुल इन्फिनिटिव आती है. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज मेड टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बना है. दे वर आस्क्ड टू फाइंड द थीव्स, उन्हें चोरों को ढूंढने के लिए कहा गया था. लेट इज एन एक्सेप्शन, लेट एक अपवाद है. अपवाद का मीनिंग होता है जिस पर यह नियम लागू नहीं होता. इट टेक्स ए बेयर इन्फिनिटिव इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी. फॉर एग्जाम्पल, आई लेट आउट द लाइट्स टू स्लीप, मैंने सोने के लिए लाइट बंद कर दी. लेट आउट का मतलब यहाँ बंद करना है. लेट आउट का सही मीनिंग होता है बाहर निकालना. अब लाइट को बाहर तो निकाला नहीं जाता, तो लाइट को बंद किया जाता है. ये एक्टिव वॉइस में प्रयोग हुआ है. द लाइट्स वर लेट आउट बाई मी टू स्लीप, लाइट मेरे द्वारा बंद कर दी गई थी सोने के लिए. ये पैसिव वॉइस में यूज हुआ है और इनमें बेयर इन्फिनिटिव यूज हुआ है लेट के साथ. एज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए सम एक्सप्रेशन, कुछ अभिव्यक्ति के पूरक के रूप में. सम एक्सप्रेशन इन इंग्लिश आर ऑलवेज फॉलोड बाई ए बेयर इन्फिनिटिव, अंग्रेजी में कुछ अभिव्यक्ति हमेशा एक बेयर इन्फिनिटिव द्वारा फॉलो की जाती है, यानी कि इनसे पहले हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आती है. सम ऑफ देम आर हैड बेटर, वुड रेदर, सूनर देन, रेदर एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर लाइक टू हेल्प हिम देन क्विट, मैं उसे छोड़ने की बजाय उसकी सहायता करना चाहूँगा, या उसकी सहायता करना मुझे पसंद है. आई वुड रेदर लिव नाउ देन लेटर, मैं बाद की अपेक्षा अब जाना चाहूँगा. आई हैड बेटर गेट बैक टू वर्क, मुझे काम पर वापस आकर अच्छा लगा. आई वुड सूनर सुसाइड देन एब्यूज माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ बुरा व्यवहार करने से पहले आत्महत्या कर लूँगा. After the interrogative words why and why not, interrogative words why और why not के बाद. For example, why angry, गुस्सा क्यों हो. Why not plan a trip to hill station, एक hill station की यात्रा की योजना क्यों नहीं बनाई. In both the sentences above, it would be incorrect to say, ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में यह कहना गलत होगा. वाई टू एंग्री, वाई नॉट टू प्लान ए ट्रिप टू द हिल स्टेशन, इस तरीके से लिखना गलत होगा. विद द एक्सप्रेशन बट, एक्सेप्ट एंड हेल्प. फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प्ड मी मैनेज द हाउस, उसने घर संभालने में मेरी सहायता की. सुहासिनी डज नथिंग बट फाइट ऑल डे, सुहासिनी पूरा दिन लड़ाई के सिवाय कुछ नहीं करती है. सी आई शैल डू एनीथिंग एक्सेप्ट टेकिंग ब्राइब, मैं घूस लेने के अलावा कुछ भी करूँगा. आफ्टर मॉडल्स, कुछ मॉडल्स के बाद आती है. फॉर एग्जाम्पल, ही मे नॉट लाइक दिस केक, वह इस केक को पसंद नहीं कर सकता. बी यू मस्ट कैरी योर लंच विद यू, तुम्हें अपने साथ अपना लंच लेकर जाना चाहिए. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही रीड करेंगे और आपको भी ये ध्यान से रीड करना है. इसके बाद आप
एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझ पाएंगे।